झाबुआ जिले के शासकीय उत्कृष्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय जकनावदा में कुछ रोज पूर्व समाज सेवी संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के सदस्य मनीष कुटुंब द्वारा स्कूली बहनों को खाली लिफाफे दिए गए थे। साथ ही बहनों ने आयोग के सदस्यों को अवगत कराया था कि हमारी स्कूल में गर्मी बहुत लगती है, जिससे हमें स्कूल में बैठने में भी दिक्कतें आती हैं, तो टीम द्वारा पंखे लगवाने का आश्वासन भी दिया गया था। लिफाफे में समस्त स्कूली बहनों ने सीमा पर तैनात रात दिन हमारी रक्षा में अपनी नींद उड़ाकर हमें चैन से सोने देते हैं, ऐसे सैनिक भाइयों के लिए रक्षा सूत्र भरकर लिफाफे पर अपना नाम व सैनिक भाइयों के लिए रक्षाबंधन स्पेशल संदेश लिखकर एकत्रित किए। जो अपन मतलब सेना में जो सुरक्षा बल लगा है उनको अगर यहाँ से आखिया भेंट करते तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो असुविधा जो यहाँ मिल रही है, पंखा नहीं है लगवाना, ये आपके द्वारा सराहनीय कार्य है। और जो अभी आपकी उम्र है तो अभी से एक गोल सेट कर लो कि जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, तो अभी से उसके ऊपर लगातार आप प्रयास करोगे तो ये मेरी कामना है कि आप जरूर भविष्य में उस पद पर विराजमान होंगे, बस यही आशा है मेरी। और सभी बच्चों को हरियाली वर्ष और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। दोस्तों आज यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो आर्मी में है, सेना में है, वो अपने माता पिता और अपने जो परिवार फैमिली को छोड़कर आज अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं। वो चाहते तो वो भी अपना सुख आनंद ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, पर वो अपने देश के लिए आज लड़ रहे हैं और अपना एक लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। अतः श्री सभी छात्राओं से मेरा यही निवेदन है कि आप पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मेरे को डॉक्टर बनना है कि वकील बनना है कि कुछ आगे कुछ शिक्षक बनना है, कि उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट में लाए तो उसी को देख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई छात्रा फर्स्ट आई तो दूसरी छात्रा वो ये सोचे कि मैं इससे भी अच्छे नंबर लूँ, तभी वो आगे बढ़ सकती है और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकती है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। क्योंकि ये जो 15 अगस्त आपकी बार आ रहा है वो राखी के दिन ही है, इसलिए हमें अपने भाई को तो राखी बांधते ही है, साथ में जो अपनी रक्षा कर रहे हैं उनके लिए राखियां एकत्र कर सीमा पर भेजना है। साथ में आज हरियाली अमावस्या है, जिसके लिए हमें संकल्पित होना है कि एक पेड़ अपने घर पर अवश्य लगाएं। जगह लें।